नमस्कार दोस्तों, मैं अमित, मेरे चैनल अमित्स टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डहेलिया उगाते हैं, डहेलिया की मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं। इन टिप्स को अपनाने के बाद आपकी डहेलिया प्लांट में बहुत ज़्यादा और बड़े फूल खिलेंगे। दोस्तों, पहली टिप्स है वैरायटी। डहेलिया में तीन तरह की वैरायटी होती है। पहली वैरायटी में फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फूलों का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। इसको आप डहेलिया की पॉम पॉम वैरायटी भी बोल सकते हैं। दूसरी वैरायटी में फूलों का साइज़ मीडियम होता है। दोस्तों, ये जो आप डहेलिया के फूल देख रहे हो, ये मीडियम साइज़ के फूल हैं। तीसरी वैरायटी कैनियन वैरायटी होती है, जिसमें कलियां दो या तीन आती हैं, मगर फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों, ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं डहेलिया का, ये कैनियन वैरायटी का डहेलिया है, और आप इसमें देख सकते हो दो से तीन कलियां ही हैं। दोस्तों, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा यहाँ पर। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सी वैरायटी लगाना पसंद करते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि इसका सॉइल मिक्स या मिट्टी कैसे बनाए। इसके लिए आप 60% किसी भी प्रकार की मिट्टी और 40% कंपोस्ट या गोबर की फुल डीकंपोस्ट खाद लें। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, इनको खाद कौन सी देनी है। खाद में आप DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करें, हर 10 दिन के अंतर पर। अगर आपके पास DAP और म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं है, तो आप हर 7 दिन के अंतर पर केवल वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देने से पहले आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें और उसमें कंपोस्ट को मिलाकर पानी डाल दें। दोस्तों, चौथा पॉइंट है, डहेलिया के पौधे में आप रोज़ वाटरिंग करें। ये प्लांट अपनी मिट्टी में नमी को पसंद करता है, मगर ओवर वाटरिंग नहीं, मिट्टी को सौगी ना बनने दें। पांचवा पॉइंट है, इस पौधे को धूप अच्छी मात्रा में चाहिए। इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। डहेलिया का फूल पूरी तरह से खिलने में 4 से 5 दिन का समय लेता है, और इसके फूल कम से कम 10 दिन तक लास्टिंग करते हैं। छठवां पॉइंट है, पेस्ट और डिजीज़ कंट्रोल। इस प्लांट में मुख्यतः पत्ता मरोड़, वाइट फ्लाई, मिली बग का अटैक देखने को मिलता है। मिली बग के लिए एक्ट्रा नाम का कीटनाशक प्रयोग करें। ये दानेदार रूप में होता है, 1 ग्राम प्रति लीटर। वाइट फ्लाई और पत्ता मरोड़ से बचाव के लिए आप एमिडा क्लोरोपीड का प्रयोग करें, 1 ml प्रति लीटर। सातवां पॉइंट है, इस पौधे में फंगस का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर फंगस का अटैक आए, तो आप साफ फंगिसाइड का प्रयोग करें, 2 ग्राम प्रति लीटर। आठवां पॉइंट है, पौधे को स्टिक के माध्यम से सपोर्ट जरूर दें। डहेलिया को आप जमीन में उगाएं या गमले में,
उसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। पौधे का ऊपर का पोर्शन फूल की वजह से बहुत भारी हो जाता है, इसलिए इस पौधे को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने ये अपने प्लांट में सपोर्ट दिया हुआ है। और इस प्लांट में भी मैंने प्लांट मेरा छोटा है तो मैंने इसमें छोटा सपोर्ट लगा रखा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।